मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के जंग में अखिलेश यादव के बाद नीतीश कुमार की भी एंट्री हो गई है। समाजवादी पार्टी के बाद जेडीयू ने भी अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जेडीयू ने कुल 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कांग्रेस इन सीटों पर पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन के दल आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जेडीयू ने जिन सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं उनमें पिछोर विधानसभा सीट से चंद्रपाल यादव, राजनगर से रामकुंवर, रैकवार से विजय राघवान, सीट से शिव बताया जा रहा है नारायण सोनी और थांदला सीट से तूल सिंह भूरिया और पटेलावाद रामेश्वर सिंघार को उम्मीदवार बनाया गया है। इन 5 सीटों पर कांग्रेस पहले से ही अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। राजनगर से सपा ने भी अपने प्रत्याशी उतारे हैं। ये तीनों ही दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं और लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे विधानसभा चुनाव में ये तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी भी 41 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। सपा एमपी की लगभग 50 सीटों पर सपा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। इन सभी सीटों पर सपा का सामना बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस से भी होगा। वही आपको बता दें कि यूपी से सटे हुए विधानसभा क्षेत्रों में सपा असर डाल सकती है जिससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की लड़ाई में अब नीतीश कुमार की एंट्री हो चुकी है। ऐसे में प्रदेश विधानसभा चुनाव के दिलचस्प होने की उम्मीद है। बता दें कि मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान है जबकि 3 दिसंबर को इसके नतीजे की घोषणा की जाएगी।